हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम करवाने वाले हैं भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज। जैसे आप लोगों को पता है, स्टार्ट कर दी है हमने पहले ही। तो आज हम करवाने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट SOL सेमेस्टर 3 की जो बुक है उसकी यूनिट नंबर 3 और लेक्चर नंबर 5। तो भाई यूनिट 3 हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जिसका लेक्चर नंबर 5 है, या चैप्टर 5 भी आप बोल सकते हो। ठीक है, चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। तो आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी सीखने वाले हैं। जितने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट हैं या जितने भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज आप लोगों के लिए बना रहा हूं मैं, और ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए, आपके पास बुक्स वगैरह नहीं है, आपको चाहिए नोट्स रीडिंग करके हमारा काम चल जाए, तो भाई नोट्स भी रेडी हो चुके हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे नोट्स रेडी हो चुके हैं, जिसमें आपको सारे टू द पॉइंट्स मिलेंगे। आप रीड करके आराम से एग्जाम में पासिंग मार्क्स और अपने अचीविंग मार्क्स को ले सकते हो। ठीक है, और बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऊपर दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करो आई वॉन्ट टू बाय नोट्स या परचेजिंग नोट्स करके, और आपको इजिली नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, मिनिमम अमाउंट देना है भाई नोट्स के लिए, परचेज करने के लिए ज्यादा अमाउंट भी नहीं है, आप लोग खरीद सकते हो। ठीक है, अगर जिसको चाहिए वो मैसेज कर दे रहा, जिसको नहीं चाहिए तो भाई उसके लिए तो सीरीज बनी रही है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। हम ये सीखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम जब सीख रहे हैं, जब हम इस बुक को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमने देख लिया कि हमें अपनी कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है। पैसों का ना इतना अच्छा मेंटेन करना है कि पैसे कहीं वेस्ट भी ना हो, पैसों का यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए, और पैसे जो है हम जहाँ लगा रहे हैं तो साथ ही साथ उससे हमारा क्या होना चाहिए, एक प्रोडक्शन होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए बिजनेस। ठीक है, तो इसी का जो चैप्टर 5 है छोटा सा कैपिटल स्ट्रक्चर, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसकी थ्योरीज कौन कौन सी होती है। तो भाई किस किस प्रोफेसर ने कौन कौन सी थ्योरीज लिखी है कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, हम कौन कौन सी जगह जो है पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और किस किस तरीके से, किस मेथड से पैसे को बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम अच्छे तरीके से पैसे को बिजनेस में इंप्लीमेंट करना सीख जाएंगे, तो उसके साथ साथ जो हमारा बिजनेस है और ज्यादा डेवलप होगा और ज्यादा ग्रो होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर यही होता है जो भी मैंने आपको बताया, आप जब भी कोई अपना कैपिटल से रिलेटेड कोई भी लेन देन करते हो या कोई भी हिसाब मेंटेन करते हो, तो उसमें आपको पैसे की जरूरत होती है। पैसा कहाँ कितना फिजूल खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है, तो ये सारा एक स्ट्रक्चर्ड होता है, एक प्लानिंग होता है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, तो इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर्ड हमारी कुछ चीजों को इंक्रीज भी करता है, जैसे कि शेयर होल्डर्स है, डेप्ट है। ठीक है, तो इनको कुछ इंक्रीज भी करता है, कुछ लाइबिलिटीज भी बढ़ाता है अगर हम इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना करें तो। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, भाई मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग में मैंने मेंशन किया है कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए फंडिंग सोर्स। सबसे पहली लाइन में मैं पॉइंट मार्क करता हुआ चलूंगा, मेरे साथ साथ नोट करना, ये सारा उतारने का टाइम भी दूंगा, अभी नोट मत करो प्लीज, मैं जितना जितना आपको करा रहा हूँ उतना उतना करो, अभी नोट करने लग जाओगे तो समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए फंडिंग सोर्स। फंडिंग सोर्स क्या होते हैं, फंडिंग सोर्स वो सोर्स होते हैं जहां से पैसा आता है, कंपनी में कोई भी पैसा आ रहा है तो वो फंडिंग सोर्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं तो जैसे कि कोई इन्वेस्टर है, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इस ताड़ में होते हैं कि बिजनेस अच्छा कब चलेगा, जैसे बिजनेस अच्छा चलेगा हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो फंडिंग सोर्स जो है वही होता है, फंडिंग सोर्स जहां से पैसा आ रहा है। आगे लिखा फंडिंग सोर्स इट्स द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, डेट्स और इक्विटी दोनों से पैसा आता है, दोनों ही शेयर्स हैं या जो डेट इक्विटी आपके हैं उनको आप बेचो या खरीदो, पैसा आपका बढ़ता है। ठीक है, तो यहां से दोनों ही तरीके से हमारा फंडिंग सोर्स बताया गया है, एक तो डेप्ट हो गया और दूसरा इक्विटी हो गया। आगे बोला है यूज्ड टू डेप्ट एंड इक्विटी यूज्ड टू फाइनेंस, हम इसको फाइनेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये तो बताओ। देखो हमने अभी तक एक थ्योरी पढ़ी थी, बार्टर सिस्टम पहले चलता था, हमने बार्टर सिस्टम में पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, तो हमने एक थ्योरी पढ़ी थी। थ्योरी क्या थी कि हम क्या करते थे, वस्तु विनिमय करते थे। आपको कोई भी सामान लेना है तो आप ये सामान इस बंदे को अगर लेना है
तो ये सामान इसको दे सकते हो, बट बदले में भी कुछ हिस्से भी लोगे। तो इसके पास मान लो कुछ बकरियां हैं, ठीक है, ये बकरियां हैं इसकी, तो ये अपनी बकरियां आपको दे देगा इसके बदले में। तो ये था वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होता है कि आपका जो है ना फाइनेंस, उसमें आपका जो डेब्ट है, जो आपके डिबेंचर्स है, जो आपका इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं लोग, तो उनको अगर आप पैसा चाहिए तो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, उनको डिबेंचर्स इशू कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इशू करके उनसे ले सकते हो क्या, मनी। आपको वो क्या दे देंगे उसके बदले, मनी दे देंगे भाई, पैसा दे देंगे आप लोगों को। आप लोग इस तरह से अपना फाइनेंस जो है वो क्रिएट कर पाओगे। आगे मैंने बोला इट्स ऑपरेशन एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये जो है अलग अलग तरह के ऑपरेशंस और इन्वेस्टमेंट में काम आता है। ऑपरेशंस कैसे होते हैं भैया, ऑपरेशन वो वाले नहीं कि जो डॉक्टर करता है सुई धागा लेके सिलने बैठ जाते हैं, नहीं वो ऑपरेशन नहीं होते जी। ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं कि अलग अलग तरह के जब प्रोजेक्ट्स आते हैं, कंपनी को जब प्रोजेक्ट मिलते हैं, टेंडर्स मिलते हैं, तो उस टाइम पे जो फंडिंग होती है उनको ऑपरेशंस कहा जाता है। ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट में अच्छे तरीके से काम आता है हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो। आगे बोला है, a company balance its long term financial obligations and ownership stakes। कह रहा है जो एक कंपनी होती है वो बैलेंस करके चलती है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को, मान के चलती है कि लंबे समय तक हमें यूटिलाइज करना है अपना पैसा, और लंबे समय तक हमारी इसकी जो पूर्ति है वो इसी से करनी है, आगे कोई फंड नहीं आने वाला, ठीक है, और अपने जो ओनरशिप है, जो स्टेक्स है, वो सारे संभाल के रखने हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपके पास जो है ना पैसे के रूप में क्या क्या दे दिया है, पैसे के रूप में आपके पास है डिबेंचर्स, आपके पास है इक्विटी, तो आप इन सबको पैसा ही मान के चलोगे, ऐसा मानोगे कि ये हमारा पैसा है और इसको इस तरह से यूज करोगे कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा, लंबे टाइम तक चलेगा। ये आपके क्या है, एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। क्या है भाई, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। तो अब जो मैंने पॉइंट मार्क करे हैं, एक फंडिंग सोर्स जो पॉइंट मैंने मार्क करे हैं, ये आपके फीचर्स भी बन जाएंगे। तो इन पॉइंट्स को चाहे आप नोट डाउन कर लो और ये पॉइंट्स आप अपने उतार लेना, ठीक है भाई, उतार लेना, आराम से टाइम दूंगा, लो उतार लो एक मिनट, ठीक है भाई। हाँ जी, उतार लिया, ये फोटो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब मैं आगे भी टाइम दूंगा, ऐसी बात नहीं भाई, जाऊंगा ना जी, कराने दो यार, तो अभी तो आया हूँ मैं, अभी तो आया हूँ, शांत हो जाओ थोड़ा, तो अभी तो मैं आया हूँ, आगे कराऊंगा भाई। तो जब मैं जाऊंगा ना तो आराम से फोटो खींचना, स्क्रीनशॉट लेना, मेरी खींचनी मेरी खींचना, बोर्ड खींचना बोर्ड खींचना, अभी पढ़ दो। आगे हम बात करने वाले हैं ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी हमने पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, अब कैपिटल स्ट्रक्चर ना मतलब पैसा ना, हमने प्लान बना लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया कैसे कैसे यूज होगा बिजनेस में। अब वो पैसा जब हम यूज करने जा रहे हैं तो उसके कुछ स्ट्रक्चर्ड और भी होते हैं, उसको कुछ टाइप्स में बांटा है। पहला टाइप है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा, इसमें लिखा है इट इज द मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। देखो मैंने ऊपर आपको मार्क कराए थे, इसीलिए मार्क कराए थे क्योंकि ये बार बार जब पॉइंट आए तो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए डेब्ट और इक्विटी। क्या बोला मैंने, डेब्ट और इक्विटी का मिक्स होता है कौन, कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन सा कैपिटल भैया, कैपिटल स्ट्रक्चर तो बहुत सारे होते हैं, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन सा कैपिटल, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है डेट और इक्विटी का मिक्स होता है, दैट मिनिमाइज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज कर देता है, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज कर देता है, कम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा भैया, ऐसे तो नुकसान हो जाएगा ना बिजनेस में, अगर मान लो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई तो नुकसान हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा कि डेट और इक्विटी जो है ना इनका मिक्सचर है और ये आपकी मिनिमाइज कर देता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लिक्विडिटी कैश मानते हैं भाई, लिक्विडिटी कैश जो होता है ना, ऐसा पैसा लिक्विडिटी मतलब जो तरल हो, जो इजिली कन्वर्ट हो जाता है कैश की फॉर्म में, तो वो वाला कैश जो है ना वो कम कर देता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास इशू होते हैं डिबेंचर्स और या फिर इक्विटी शेयर्स, ठीक है। हमारा पैसा जो है ना इन्वेस्ट है, एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, एक बंदा है उसके पास 100 रुपए है, या 100 रुपए का उसके पास कोई ऐसी चीज है जिसको बेचेगा तो उससे 100 रुपए वापस निकल आएंगे। तो हम जो है ना वो कैश नहीं रख रहे 100 रुपए, हम वो चीज रख रहे हैं 100 रुपए में, तो वो जो चीज है वो भी तो पैसा ही हुआ हमारे लिए, तो वो जो चीज है वो डेब्ट और इक्विटी ही तो है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके पास कैश ही हो, कैश के फॉर्म में पैसा नहीं, जरूरी नहीं है। एंड मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, आपके जो शेयर होल्डर्स है उनको मिनिमाइज कर देता है। ऑप्टिमल जो है
आपका कैपिटल के साथ साथ आपके शेयर होल्डर्स की कॉस्ट को भी मिनिमाइज कर देते हैं। आपने जब शेयर्स मार्केट में लगाए होंगे तो मार्केट में लगाते टाइम आपने एक शेयर अगर 100 रुपए का बेचा होगा या 1000 रुपए का बेचा होगा किसी भी पर्सन को, ठीक है, तो उसके शेयर्स की जो वैल्यू है वो कम कर देगा। जब आप उसको रिडीम करोगे ना उस टाइम पे आपको पैसे कम देने पड़ेंगे। तो ये नुकसान है कि फायदा? आप बोलोगे भैया ये तो नुकसान हो गया, शेयर्स अगर 1000 रुपए के हैं लेते टाइम हम उसको सिर्फ 900 रुपए अगर दें तो ये तो नुकसान हो गया। भाई सुनो, जब हमारे पास शेयर है वो 1000 रुपए के हैं, ठीक है, हमने शेयर इसको इशू करा तो 1000 रुपए लिए, इससे 1000 रुपए लिए, हम जब अब खुद वापस कर रहे हैं हम बोल रहे हैं भाई हमने शेयर नहीं देना, मैंने रिडेम्पशन करना है, रिडेम्पशन कर रहे हैं। तो शेयर का जब आप रिडेम्पशन कर रहे हो तो वो शेयर की प्राइस है ना अब 900 रुपए आपको है, तो 900 रुपए तो देने इस बंदे को, और जब आप इसको 900 रुपए दे दोगे तो ये आपके शेयर दे देगा। देखो 1000 रुपए में शेयर आपने बेचा था, 900 रुपए में आप ले रहे हो, फायदा है कि नुकसान है? फायदा ही तो है, बट ऐसा केस पॉसिबल बहुत कम होता है कि जहां पर आप इश्यू तो कर रहे हो बढ़िया पार पे और जब उससे ले रहे हो रिडेम्पशन कर रहे हो तो आप ले रहे हो उससे प्रीमियम पे, तो भाई सॉरी डिस्काउंट पे, बट ऐसा बहुत मुश्किल होता है। आगे उसके बाद बताया इन्होंने, कह रहा है एट विच द फर्म कैन अचीव, कह रहा है इज द पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है एट विच द फर्म कैन अचीव द लोएस्ट वैक। वैक क्या होता है? वैक नहीं पता आप लोग? अरे यार क्या बात कर रहे हो, पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा आपने? पिछले चैप्टर वाली सीरीज आपने देखी नहीं, मिस कर दी, फिर तो ये समझ ही नहीं आएगा भाई। पहले जाओ पिछला चैप्टर देख के आओ, पिछले चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इससे पहले वाला जो चैप्टर था ना चैप्टर नंबर 4 था जो सीरीज हमारा, तो वो लेक्चर सुन के आओ भाई। वैक मतलब होता है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमने उसमें एक फॉर्मूला भी पढ़ाया था वेटेज एवरेज निकालने का, फॉर्मूला का न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया था भाई, अगर नहीं देखा ना पहले वो देखे, यहाँ तो मोटा मोटा जाएगा दिमाग के ऊपर से तीर की तरह, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो है फर्म को अचीव करने में हेल्प करती है लोवेस्ट वैक एंड मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म, मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म की मैक्सिमाइज वैल्यू, ठीक है। आगे लिखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के, जो हमने ऊपर पढ़े। तो अभी हमने टाइप्स में सिर्फ एक टाइप पढ़ा क्योंकि आपके बुक में एक ही टाइप है, ऑप्टिमली है, ऑप्टिमली यूज करा है हर जगह, तो हम ऑप्टिमल को भी मान के चलेंगे कि उसके जो ऑब्जेक्टिव है ना वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखो ऑब्जेक्टिव भी इसी में से उठ उठ के आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी कल अलग से नहीं बनाने आपको, याद है या रट्टे नहीं मारने है, आपको इसी में से उठाने हैं। ऑप्टिमल मैंने बताया था मिनिमाइज, तो देखो ये रहा मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर, ये उठा लो मिनिमाइज वाली लाइन, और ये मिनिमाइज वाली लाइन यहाँ पे लिखी है मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला था भाई अभी मत उतारो रट्टा मत मारो, मैं याद करवाऊंगा साथ के साथ, मैं साथ के साथ याद करवाऊंगा। मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है पहली चीज, तो दूसरा मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, जो शेयर होल्डर्स है ना उनकी वेल्थ बढ़ा देता है, जो हमारे शेयर से मार्केट में लगे हैं उनकी जो कीमत है वो इंक्रीज कर रहा है। कैसे? मैंने बताया था कि आप शेयर जब 1000 रुपए का दे रहे हो 900 रुपए में ले रहे हो तो 100 रुपए तो बढ़ गए ना, डिस्काउंट मिल रहा है, ऐसा तो होता नहीं है बट बढ़ गए ना। तो यही बोलना चाह रहा है कि मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, ठीक है। अगला है रिस्क मैनेजमेंट, कि आप जो है वो रिस्क मैनेजमेंट में बढ़िया हो जाते हो भाई, एकदम आखर फाड़ू आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, जब आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा कर लेते हो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट लो हो जाता है, आपको ज्यादा रिस्क नहीं झेलनी पड़ती है, आपको ज्यादा बर्डन नहीं झेलना पड़ता है किसी भी चीज से रिलेटेड, और जब आपको बर्डन नहीं झेलना पड़ता तो उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है भाई, हो गया कंप्लीट। हाँ जी, तो आगे लिखा मैंने पॉइंट नंबर 4th जिसमें मैंने लिखा है लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबल, लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबल। अभी मैंने एक पॉइंट बताया था लिक्विडिटी करके, बताया था ना भाई, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो ना, देखो ये लिखा हुआ भी भाई प्रूफ है यार मेरे पास, ऐसे झूठ नहीं बोल सकते आप लोग। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब होता है कि कोई भी पैसा लेके जाओ, जैसे गोल्ड वाले क्या बोलते हैं कि अपना गोल्ड आपके पास अपनी सुपर पावर है, ये मेरा गोल्ड है, आप तो बोलोगे भैया फ्लावर है, भाई मेरा गोल्ड ऐसी है, मेरा गोल्ड की शेप फ्लावर की है, जैसे लोग बिस्किट बनवाते हैं ना, मैंने गोल्ड का फ्लावर बनवाया, तो ये मेरा गोल्ड है। तो मैंने ना गोल्ड को दिया एक दुकानदार को, ये शॉपकीपर है, इस पे दुकान पे गया, लाला बैठा हुआ था, मैंने लाला को बोला भाई मेरा गोल्ड ले ले, और मेरे को उसके बदले में क्या दे दे, कैश दे दे, क्या दे दे भाई, कैश।
तो आपकी ताकत है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, ऐड आती है ना, अपना गोल्ड यूज करो, अपनी मन की ताकत को यूज करो और अपना कैश लो। तो भाई मैंने गोल्ड को दिया और कैश ले लिया, तो मैंने क्या करा, अपनी एसेट को बेच के लिक्विडेट करा लिया, फ्लेक्सिबल करा लिया। मैं इसके, मेरे पास एक ऐसी एसेट है, मैं उसको कभी भी बेचूं, कभी भी कैश में मिल जाएगा, मेरे को कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। ठीक है, लोगों को यही तो चाहिए, कभी ऐसा एंड टाइम आ जाए कि जिस जगह पर आपको एक पैसे की नीड पड़ जाए तो आप लोगों के आगे हाथ फैलाओगे। लोगों के आगे अगर हाथ नहीं फैलाना चाहते तो उसके लिए भगवान ने गोल्ड ही तो बनाया है कि सोना दे दो, पैसा ले लो, पैसा मिल गया, कहीं हाथ ही नहीं फैलाने, पैसा ही तो चाहिए जिंदगी में, और क्या है, पैसा ही तो सब कुछ है, पैसा ही तो भगवान है ना। आगे हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है ना कैपिटल स्ट्रक्चर का, वो भाई लंबे समय तक लॉन्ग टर्म चलेगा, हम ऐसा मानेंगे सस्टेनेबल है। क्या है भाई, लॉन्ग टर्म रन करने वाली चीज है। तो गोल्ड जो है वो कैसा होता है, गोल्ड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए माना जाता है, क्योंकि आपका गोल्ड जो है, सोना जो है वो टमाटर तो है नहीं, सॉरी जो टमाटर होते हैं वो खराब हो जाते हैं दो चार दिन में, आपका गोल्ड है गोल्ड भाई, समझो इसकी पावर को। क्यों नहीं समझ रहे हो यार, नहीं समझ रहे हो तो मेरे को एक काम करो, दो चार गोल्ड के बिस्किट वगैरह दान कर दो, ज्यादा मन कर रहा है। तो भाई गोल्ड जो है ना वो लॉन्ग टर्म रन करने वाली चीज है, तो ये आपके बिजनेस की जो कैपिटल है उसको मैक्सिमाइज करता है, वेल्थ बढ़ाता है, और कैपिटल स्ट्रक्चर में एक कैपिटल के रूप में ही काम करता है, कैपिटल से कम नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी आपकी सस्टेनेबल थिंग्स है, जरूरी नहीं गोल्ड, कोई भी आपका इक्विटी है, डिबेंचर्स है, असेट्स है, मशीनरी है, प्लांट है, लैंड है, लैंड का है भाई, मैंने बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग वाला लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी इजिली कन्वर्टेबल होती हैं, लंबे टाइम के लिए सस्टेनेबल भी हैं, और आपकी इंक्रीज करती है बिजनेस ग्रोथ। अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस। पहला इंपॉर्टेंस तो होता है कि भैया कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना वो बढ़ती है, हमने पहले ही पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, देखो देखो मेरी बात सुनो, पहले बात सुनो, बात ऐसी है, चैप्टर नंबर जो 6 था ना, लेक्चर नंबर 6, उसमें हमने पढ़ा था वैक के बारे में, मैंने आपको वैक पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान नहीं है तो जाके उसको वैक डीपली पढ़ाया भाई। चैप्टर नंबर जो 4 है ना, लेक्चर नंबर हमारा 3rd जो है, लेक्चर नंबर 3rd जाके देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कवर करा है, पूरा आधा घंटा एक घंटा सीरीज लिया, पूरे का पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसके फॉर्मूले न्यूमेरिकल सॉल्व कराया, पूरा सीरीज कराई है। अभी आप वो भी नहीं पढ़ के आओगे, आप ये भी नहीं पढ़ के आओगे, आप सीधा ये वीडियो खोल के बैठोगे तो कैसे समझ आएगा भाई, ऐसे ना करना मुन्ना, पेपर में पास होना है या फिर स्कोरिंग करना है, स्कोरिंग करना है ना, तो वो देख के आओ भाई पहले। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने बताया था कि जो भी आप बिजनेस में कॉस्ट लगाते हो, जो भी कैपिटल लगा रहे हो, वो सारी की सारी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, जरूरी नहीं आप कैश के फॉर्म में लाओ, आप कोई से भी फॉर्म में लाओ, बट वो होनी चाहिए एक रिलेवेंट। ठीक है, मतलब पैसा होना चाहिए उसको, अगर लिक्विडेट कराएं तब भी। आगे आता है रिस्क मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस में कैपिटल स्ट्रक्चर का डाला रिस्क मैनेजमेंट, जो कि हमने नीचे पढ़ा था, देखो पॉइंट टू पॉइंट ना मैच हो रहे हैं, अगर आप ध्यान दोगे तो इसके पॉइंट ज्यादा नहीं है, पॉइंट बिल्कुल थोड़े से, मुट्ठी भर पॉइंट है भाई, मैंने मुट्ठी बोल दिया क्या, बंद कर लो भाई, छोटे से पॉइंट है, थोड़े से पॉइंट है। ठीक है, अब मैं नहीं बोलूंगा वो वर्ड, तो भाई इसीलिए आपको क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो ध्यान देना। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि जो भी आपका बिजनेस रिस्क है, आने वाले अगर मान लो आपके कोई शेयर्स बिकने वाले हैं, आपके डिबेंचर्स बिकने वाले हैं, तो वो जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको, रिस्क को मैनेज करने में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है कैपिटल स्ट्रक्चर का। अगर आपने कोई भी चीज अपनी बेची नहीं है, आपके पास सारी असेट्स है, आपके पास सोर्स ऑफ फंड है, पहली चीज तो फंडिंग सोर्स है तो दिक्कत ही नहीं है भाई, खत्म सारी दिक्कत, चैप्टर खत्म, बंद करो बुक, क्या कर रहे हो पढ़ के, हम पढ़ रहे हैं भाई आगे। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पैसों की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पैसा इतना हो कि बिजनेस अच्छे से रन कर पाए, बिजनेस अच्छे से रन कर पाए, लॉन्ग टर्म रन कर पाए, उसके लिए आपको कुछ चीजें चाहिए, आपको शेयर होल्डर चाहिए, आपको पोटेंशियल इन्वेस्टर चाहिए, आपको सबसे मैक्सिमम जो चाहिए वो चाहिए आपका प्रोडक्ट फंड, मतलब कि आपका जो चाहिए वो चाहिए प्रोडक्ट कह रहा हूँ बार बार, फंडिंग सोर्स आपका पता होना चाहिए कि पैसा आएगा कहाँ से,
कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर हो, कोई लोन हो, कोई रिजर्व हो आपने जो क्रिएट कर रखा हो बाद में काम आने के लिए, तो उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोलते हैं। कभी ऐसा हो गया, मान लो दिवालिया निकलने वाली हालत आ गई, ठीक है, मार्केट में आप चले नहीं, कुत्ते जैसी हालत हो रही है मार्केट में, ठीक है, सॉरी मैंने इस वर्ड को यूज किया, बट तो समझा रहा हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होने के लिए आपको पैसा कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। आपके कॉलर पकड़ पकड़ के, गुद्दी पकड़ पकड़ के, जो ये टी शर्ट है ये पकड़ पकड़ के लोग मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई पैसा निकाल, पैसा निकाल, पैसा निकाल, मार रहे हैं, हंटर लेके मार रहे हैं आपको। तो भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम आती है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो ये इंपॉर्टेंस हो जाएगी। कैपिटल स्ट्रक्चर भी बिजनेस स्मूथली रन कर रहे हैं, जाने दे भाई जैसे जा रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर फोर था स्टॉक प्राइस एंड शेयर होल्डर वैल्यू। स्टॉक के प्राइस जो है वो आसमान छुएंगे, स्टॉक के प्राइस आसमान छुएंगे, शेयर होल्डर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, शेयर होल्डर्स भी बढ़ेंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स को पैसा दे पाओगे, अपने शेयर्स को दूसरों तक ज्यादा से ज्यादा दोगे, ठीक है। पॉइंट नंबर फोर हो गया। फिफ्थ है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव लोग हैं, जो आपके ही साथ अपना कैपिटल जो है ठीक करते हुए चल रहे हैं, जो बिजनेस लगाते हुए चल रहे हैं, तो उनके साथ ही आपको चलना है, और आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी देखने को मिलेगा उस तरफ, ठीक है। क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। आप ना दूसरी कंपनी से या दूसरे वेंडर से ज्यादा ग्रो करने वाले हो अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर्ड कर रखी है तो, ठीक है। अब हम नीचे पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्ड, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्ड टोटल। अब हम ये पढ़ेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ लिया, पैसा लगाने का प्लानिंग पढ़ लिया, हमने प्लानिंग कर ली पैसा कैसे कैसे लगाना है, उसकी क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नुकसान है, ऑब्जेक्टिव वगैरह। अब हम ये देखेंगे कि हमारे सामने चार तरीके हैं पैसा किसमें इन्वेस्ट करें, वो हमें सोचना है। मैंने क्या बोला, थ्योरीज में ये मान लो कि हमारे सामने चार तरीके हैं पैसा किसमें इन्वेस्ट करें कि बिजनेस स्मूथली रन करें और ग्रो करवा के दे आगे, डबल करके दे पैसा। तो पहला तो है भाई नेट इनकम अप्रोच, पहली अप्रोच है नेट इनकम अप्रोच। तो कहां लगाऊं निशान, तो भाई आदत पड़ चुकी है निशान लगाने की, खुजली होती है। नेट इनकम अप्रोच हमने लगा दिया। नेट इनकम अप्रोच का अंदर है क्या था, दैट ए कंपनी वैल्यू इज मैक्सिमाइज्ड, कह रहा है कि ये वो अप्रोच है जहां पर कंपनी की वैल्यू मैक्सिमाइज करती है। तो भाई मैंने सोच लिया कंपनी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, पैसा लगा दो भैया इसी में, लगा दे सारा, ठीक है। तो आगे रुको यार, ऐसा नहीं है सारे में लगा दो, पहले चुन लो, चार है आराम से चुन लो, मैं अभी आया हूँ, भाग नहीं रहा, आधा घंटे का लेक्चर है, सुनो आराम से सुनो। कह रहा है कि वैल्यू इज मैक्सिमाइज्ड, कंपनी की वैल्यू मैक्सिमाइज्ड होती है। तो इसमें आगे क्या बोला है, यूजिंग डेब्ट्स बिकॉज ऑफ द टैक्स शील्ड, डेब्ट्स यूज करके, क्योंकि यहाँ पर क्या है द टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है उस पर एक टैक्स शील्ड है जहां पर आपको कोई भी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आप कोई भी डेब्ट इक्विटी इशू करते हो तो आपको सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, वो टैक्स से आप बच जाओगे अगर आप नेट इनकम अप्रोच का यूज करते हो तो। सिंपल सी बात, चलो ये मान लिया ये अच्छा है। पॉइंट नंबर बाकी भी, पहले बाकी सारे देख लो। अगला है नेट ऑपरेटिंग इनकम, अगला है नेट ऑपरेटिंग इनकम। ऊपर था नेट इनकम अप्रोच, नीचे ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम पढ़ते हैं, कह रहा है दैट कंपनी वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। इस कंपनी की वैल्यू जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर ही इंडिपेंडेंट होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा होगा, लो होगा तो भाई बिजनेस ठीक ठाक एवरेज निकल जाएगा, हाई नहीं ग्रो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले ही मेरे को डिमोटिवेट कर रहा है, मैं लगाऊंगा ही नहीं पैसा अपना, क्यों लगाऊं ऐसी जगह जहां पर पहले ही डिमोटिवेट कर रहा है कि स्ट्रक्चर ढीला है तो कैसे होगा, ढीला करेक्टर कैसे होगा, ठीक है करेक्टर ढीला इसको। आगे बोल रहा है सिंस द वैल्यू ऑफ ऑपरेशन रिमेन्स द सेम, बाकी वैल्यू ऑफ ऑपरेशन सेम रहेंगे बट आपका जो कैपिटल का जो मेन पैसा है वो इंडिपेंडेंट होगा कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो मैंने दो पढ़ लिए, दोनों में से अभी तक बढ़िया लग रहा है भाई, ऊपर वाला मैक्सिमाइज होगा। तीसरा पढ़ लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच है, मतलब कि आजकल जो चल रही है ना ट्रेडिशनल, सॉरी ट्रेडिशनल होती है पुरानी, मॉडर्न होती तो अभी की होती, ट्रेडिशनल जो पहले चलती थी ना ट्रेडिशनल अप्रोच, तो वो पढ़ने वाले हैं। अब उसमें देख लो क्या हुआ, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमको बताया दैट देयर एग्जिस्ट ऑन दैट देयर एग्जिस्ट एन एग्जिस्ट एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ये तो खुद ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। देखो
कह रहा है कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना, ये कह रहा है कि आप इसी को चूज कर लो, सबसे बेस्ट टाइप है। और इसमें मैंने आप पढ़ाया था कि इसमें डेप्ट और इक्विटी जो है ना वो सारे सारे मिनिमाइज करते हो, ये बढ़िया भी है। मैंने आपको बताया था इसमें आप 1000 दे के 900 ले रहे हो, 900 ले रहे हो, नहीं भाई उल्टा बोल दिया, आप 1000 दे रहे हो 900 में शेयर्स ले रहे हो, 900 के नहीं ले रहे, 900 में ले रहे हो शेयर्स, ठीक है। तो आगे यहाँ पे इन्होंने बोला ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर दैट बैलेंस द बेनिफिट्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। मैंने बताया था बैलेंस करके चलता है डेब्ट और इक्विटी में, तो ये रहा डेब्ट और इक्विटी में, दोनों में बैलेंस करके चलेगा अगर आप ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर यूज करते हो। ऑप्टिमल वाली अप्रोच यूज करोगे तो भी बेनिफिट है, फायदा ही फायदा है, ठीक है। तो अभी हमने तीन पढ़ ली, तीन तरीके देख लिए, अब किस में पैसा लगाना है वो आगे आप डिसाइड करोगे, ठीक है। पॉइंट नंबर फोर्थ है मोदी जी आ गए भाई, पॉइंट नंबर फोर्थ में, तो मैं नहीं पढ़ने वाला, देख लो आप। देखो यहाँ पे लिखा है मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल, तो अब हम पढ़ेंगे मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल। ये क्या एक मॉडल है, एक प्रोफेसर थे दो, तो भाई इनका नाम पे रख दिया मॉडल का नाम मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल। इस मॉडल में क्या रहा है, अंडर सर्टेन एग्जम्पशंस, हमने इसके अंदर पढ़ा सर्टेन एग्जम्पशंस है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट टू द फर्म वैल्यू। कैपिटल की जो स्ट्रक्चर्ड होती है वो इररिलेवेंट मानी जाती है किसी भी फर्म वैल्यू से, किसके अंदर भाई, एग्जम्पशन नंबर फोर के अंदर, मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल में, ठीक है। आगे इसने लिखा इन द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में विद परफेक्ट कैपिटल मार्केट, अगर आपको कोई परफेक्ट कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मोदी गिलानी एंड मिलर के अकॉर्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर्ड की जो वैल्यू है वो फर्म वाली जो होती है वो इररिलेवेंट मानी जाती है, मतलब ऐसी वैल्यू जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आपकी कंपनी में कुछ भी फंड पड़ा है तो वो इररिलेवेंट होगा, वो उसको नहीं लेंगे, वो अलग से एक फाइनेंस सोर्स जो है डिफाइन करेंगे अपना पैसा ढूंढने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा कहा, तो अलग से सोर्स तो तभी आएगा ना भाई, कि बिजनेस में नॉर्मल कैपिटल और बिजनेस का फर्म का जो है क्या है अच्छा खासा गुडविल हो, तभी तो लोग आगे इन्वेस्ट करेंगे, है ना। आगे उसने कहा इसी मॉडल का बता रहा हूं, मॉडल नंबर फोर्थ हमारा मोदी गिलानी भाई, मगर पेपर में पूछ लेगा बार बार, इसी का सबसे ज्यादा आएगा मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल जो है। इसके अंदर आगे बोला दिस मॉडल द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म डज नॉट अफेक्ट दिस वैल्यू। कह रहा है जो कैपिटल स्ट्रक्चर है और जो फर्म की वैल्यू होती है ना, गुडविल हो कैश हो, वो कभी भी अफेक्ट नहीं करेगी किसको, कंपनी कैपिटल को। कंपनी की कैपिटल जो है वो कभी भी इस स्ट्रक्चर से अफेक्टेड नहीं होगी, उसको एक अलग सेपरेट मान के चला जाएगा, तो ये अच्छी बात है ना, अच्छी बात, क्योंकि कंपनी की जब कैपिटल इफेक्ट नहीं हो रही ना, वो घटेगी ना वो बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं वो थोड़ा ना नुकसान है, बट घटनी नहीं वो मेन चीज है, ठीक है। आगे इसलिए बोला है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन डू मैटर एंड इम्पैक्ट ए फर्म वैल्यू। कह रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजन है ना, वो आपके फर्म के वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, कि जो फर्म वैल्यू है ना उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए और उस पर जाके इम्पैक्ट करेगा, ठीक है भाई। तो ये था हमारा मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, ठीक है। और इसी मॉडल के साथ आपका पूरा चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, और जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़े तो भाई ये पॉइंट क्लियर जब होंगे जो बीच में आए थे, जब तक आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नहीं पढ़ा या चैप्टर नहीं देखी लेक्चर वीडियो तो नहीं होंगे। और अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको ऊपर दिया हुआ है, आप इजिली नॉर्मल व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि आई वॉन्ट टू बाय नोट्स, या हम नोट्स परचेज करने जाते हैं, हिंदी इंग्लिश कैसे भी मैसेज करो, आपको नोट्स मिल जाएंगे और आप नोट्स को खरीद सकते हो मिनिमम अमाउंट देकर, ठीक है। तो अगर किसी को भी बाय करना है तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, ऊपर आप मैंने लिखा हुआ है, मेरा खुद का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, कॉल ज्यादा मत करना प्रेफर, क्योंकि कॉल से परेशान थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि कभी कभार पिक नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैसेज करना, मैसेज हमेशा आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन नहीं मिलेगा और आप लोगों को उठा लिया जाएगा, सॉरी मैसेज को उठा लिया जाएगा, मैसेज देख लेंगे ऐसा। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करना भाई फ्रेंड्स तक, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, सेमेस्टर 3 की जो सीरीज चल रही है उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी पढ़ने में मदद मिल सके। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए नहीं, अब आप इसको उतार सकते हो, मैं हट रहा हूँ, बहुत जल्दी थी ना आप लोगों को, तो भाई बस मैं जा रहा हूँ, अब आप इसको उतारिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड वेलकम।